हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम इन द ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फाइबर टू फैब्रिक्स। स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न्ड इन प्रीवियस क्लास डेफिनेशन ऑफ फाइबर फैब्रिक्स ईटीसी। स्टूडेंट्स, वी लर्न नेचुरल फाइबर। सम फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। स्टूडेंट्स, सम फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, सिल्क एंड वूल। Now, next study, synthetic fiber. Man-made fiber are also known as synthetic fiber. Nylon, kevlar, and rayon are some of the man-made synthetic fiber. Students, synthetic fiber means we make their own. These are called synthetic fiber. We make different color for our life. Wool. Wool is an animal fiber. In fact, it is the hairs on the body of certain animals. Wool is obtained from the animals. For examples, sheep, goat, camel, yak, rabbit, etc. Wool yielding animals have a thick coat of hair. This coat of hair is called fleece. Current wool yielding animals have a thick coat of hair on the body. These are called fleece. Students, it protects the animal from cold weather. Current fleece होता है वह animal को cold weather यानी ठंडी में ठंड से उसे बचाता है। Students, wool fiber is also light, soft, durable and elastic. Current जो wool fiber होता है students वह soft, light, durable और elastic होता है। Air space between the wool fiber create an insulating barrier. करें जो hair के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है वह इंसुलेटिंग बैरियर पैदा करते हैं, जिससे बाहर का टेम्परेचर बाहर आता है और अंदर का टेम्परेचर अंदर आता है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। स्टूडेंट, यदि हम बाहर का टेम्परेचर अंदर आने लगे और अंदर का टेम्परेचर बाहर जाने लगे तो हमें बहुत ठंड लगेगी, लेकिन जब ये इंसुलेटर की तरह काम करने लगते हैं, बाहर का टेम्परेचर बाहर और अंदर का टेम्परेचर अंदर आता है, तो हमें ठंड का एहसास नहीं होता। ग्रह बीज प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम स्क्रैपिंग एंड हैंस कीप अस वार्म। नाउ स्टूडेंट्स, उल फ्रॉम सिल्क। उल इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम सिल्क। करण जो उल है वह प्रायः हमें सिल्क से ही प्राप्त होता है। Most sheep have two type of hair from which wool is obtained. First type, most sheep है उनके बॉडी पर दो तरह के हेयर होते हैं। एक तो बड़े हेयर होते हैं जिसे हम कैम्प कहते हैं, और एक छोटे फाइन हेयर होते हैं जो शरीर से चिपके रहते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप The outer coarse hair is known as kemp. Students, ये kemp आपके बुक की एक्सरसाइज में, फिलिंग रिप्लाइज में, ट्रू फॉल्स में ये ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं, तो आप इन पॉइंट को नोट कर लें और याद भी करें, ताकि आपको जब कभी
टिक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स बाय द फॉलोइंग्स या ट्रू फॉल्स में ऐसे आप कराएं। ऐसे आप कराएं स्टूडेंट्स तो आप उसे आसानी से लर्न कर लेंगे। सेकेंड टाइप द फाइन अंडरकोट क्लोज टू द स्किन करें तो सेकेंड टाइप के लेयर होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं और स्किन के पास होते हैं। इट इज द ट्रू उल फ्रॉम विच उल फाइबर इज ऑब्टेन करें दिस उल इज ऑब्टेन फ्रॉम द मेरिनो सिल्क। मेरिनो भेड़ की एक प्रजाति है स्टूडेंट्स जो स्पेन में पाई जाती है। उसके बॉडी से जो आपको उल प्राप्त होता है वह बहुत ही फाइन कैटेगरी का होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क स्टूडेंट्स रियरिंग ऑफ सिल्क ऑप्शन फ्रॉम उल इज ऑल्सो नोन एज सिल्क रियरिंग करें जो भेड़ को हम पालते हैं और उनसे उन प्राप्त करते हैं इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क फॉर उल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात करें कुछ ऐसे राज्य हैं स्टूडेंट्स जहां पर भेड़ों को पालना और उनसे ऊन प्राप्त करना कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय है जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात। नाउ स्टूडेंट्स सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्टूडेंट्स सिलेक्टिव ब्रीडिंग से तात्पर्य है अच्छी प्रजाति की भेड़ें जैसे आप गाय भैंस रखते हैं तो आप सोचते हैं कि जो भैंस की वैरायटी हो वो अच्छी वैरायटी हो जो गाय की वैरायटी हो अच्छी वैरायटी हो ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध दे और जो भी उससे बच्चे हों वो भी अच्छे हों। तो जैसे भैंस में मुर्रा प्रजाति गाय में फिजीसियन है साहिवाल है ये ऐसी प्रजातियां हैं जो ज्यादा दूध देती हैं स्टूडेंट्स। ठीक उसी तरह से जब लोग भेड़ पालने लगे तो लोगों के मन में विचार आया होगा कि हम ऐसी प्रजाति की भेड़ पालें जिससे ज्यादा से ज्यादा और अच्छी कैटेगरी का ऊन प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स सम ब्रीड ऑफ सिलेक्टिवली रेयर करें कुछ उस समय उनकी प्रजातियों को सिलेक्ट किया गया पालने के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दिस मींस दैट देयर पेरेंट्स आर चूजन फॉर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू गिव बर्थ टू देम करें जो उनके पेरेंट्स ने उसे सेलेक्ट किया था ताकि वह अच्छे बच्चों को जन्म दे। जानते हैं स्टूडेंट्स आप भेड़ बकरियां जो हैं उस साल में दो बार बच्चे देती हैं और एक बार में दो से तीन बच्चे देती हैं और जब अच्छी प्रजाति की रहेंगे तो अच्छे प्रकार के बच्चों को जन्म देंगी तो उससे जो भी नए स्पीसीज आएगी तैयार होगी वो अच्छी प्रजाति की होगी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सम सीप आर सिलेक्टेड बिकॉज दे हैव शॉर्ट अंडर हेयर करें कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ ऐसी प्रजातियों को सिलेक्ट किया है जिनके अंडर हेयर जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्टूडेंट्स। नाले ब्रीड उल इज यूज टू मेक कारपेट उल करें नाली ब्रीड है भेड़ की जिसके उल का प्रयोग हम कारपेट बनाने में करते हैं स्टूडेंट्स। कारपेट आप समझते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कॉटन वाली उल उससे हम होजरी के कपड़े बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे पॉइंट्स को आपको नोट बुक में नोट करके लर्न करने हैं। लोही उल इज वेरी गुड क्वालिटी एंड इट यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ करें जो लोही है वह उल बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है जिसका प्रयोग लोही यानी क्लोथ बनाने में जैसे साल वगैरह बनाने में ब्लैंकेट वगैरह बनाने में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है
बाकड़ वाले यूज्ड फॉर फॉल क्या जो बाकड़ वाली पुल है इसका प्रयोग साल बनाने में किया जाता है। स्टूडेंट्स पुल फ्रॉम अदर एनिमल्स स्टूडेंट्स नाउ वी आर लर्निंग अबाउट सिल्क बट नाउ वी आर लर्निंग सम अदर एनिमल्स दीज या गिफ्ट पुल्स फॉर एग्जाम्पल्स कश्मीर गोट अंगूरा रैबिट या अल्पका एंड इवन कैमल्स। स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो भेड़ के अलावा हमें इनसे ऊन प्राप्त होता है और अच्छी कैटेगरी का ऊन प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट सेटिंग है कश्मीर गोट। स्टूडेंट्स पश्मीना उल इज फाइनेस्ट उल ऑब्टेन फ्रॉम द कश्मीर गोट करें जो पश्मीना उल है वो बहुत ही अच्छा अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है। स्टूडेंट्स और ये जो पश्मीना उल है वो हमें कश्मीर गोट से प्राप्त होता है। कश्मीर गोट जो है वह कश्मीर में पाई जाती है। स्टूडेंट्स जो कश्मीर गोट है वो कहाँ पाई जाती है? स्टूडेंट्स कश्मीर रीजन में कहाँ पाई जाती है? कश्मीर रीजन में। और इससे जो हमें ऊन प्राप्त होता है वह क्या होता है? पश्मीना ऊन। क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स? पश्मीना ऊन और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है। इन वोवेन आर नीडेड इन फाइन पश्मीना शॉल एंड गारमेंट्स तरह पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स जब कभी आप मार्केट में जाते हैं कपड़े लेने के लिए तो वहां अंगूरा लिखा रहता है। दुकानदार ये तो नहीं जाता कि अंगूरा क्या है पश्मीना क्या है। वो ये बताता है कि अंगूरा ब्रांड का है और ये पश्मीना ब्रांड का है बहुत अच्छा। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं आप तो ये जानते हैं ये पश्मीना कश्मीर गोट से प्राप्त होने वाला उल है। अंगूरा अंगूरा रैबिट से प्राप्त होने वाला उल है। तो स्टूडेंट्स कश्मीर गोट है कश्मीर गोट से पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन से क्या बनती है? पश्मीना शॉल और गारमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में और जब टॉपिक खत्म होती है तो आप एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती है उस एक्सरसाइज को आप ये जो ऑनलाइन क्लास है इससे देख करके या जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स उस पीडीएफ फाइल से आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं मैच द फॉलोइंग्स हैं ट्रू फॉल्स हैं यदि आप ऑनलाइन क्लास करते रहेंगे तो सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा। और हमारा यही प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि इस कोरोना के संकट की घड़ी में आप अपने घर पर अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स नाउ अंगूरा रैबिट अभी आपने सुना कश्मीर गोट कश्मीर में पाई जाती है और इससे जो ऊन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है पश्मीना ऊन। स्टूडेंट्स अब है अंगूरा रैबिट जो है वो टर्की में पाया जाता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं ठीक इसी तरह से टर्की भी क्या है एक कंट्री है तो वहां अंगूरा रैबिट पाया जाता है। इट प्रोवाइड फाइन क्वालिटी ऑफ वाइट कलर फूल कार्ड मैनर करें जो अंगूरा रैबिट से हमें फूल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मैनर। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैनर। इट इज यूज्ड
इन मेकिंग कारपेट स्कार्फ्स विंटर हैट्स सूट्स स्वेटर कोट एंड सॉक्स करें स्टूडेंट्स जो अंगूरा रैबिट है इससे हमें कलर या वाइट बहुत ही फाइन क्वालिटी के ऊन प्राप्त होते हैं उसे हम क्या करते हैं मैलअप करते हैं और इससे कारपेट स्कार्फ्स विंटर हैट्स सूट्स स्वेटर कोट एंड सॉक्स वूलन सॉक्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स वूलन सॉक्स तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट हम राउंड करते रहे या अंडरलाइन करते रहे इन सब पॉइंट को आपको लर्न करना है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट या इज फाउंड इन लद्दाख रीजन एंड तिब्बत स्टूडेंट्स यह लद्दाख और तिब्बत रीजन में पाया जाता है इट इज यूज टू मेक फुल कैन विद ब्लेंडेड विद सिल्क फॉर इजी स्पाइन करें इससे जो ऊन प्राप्त होता है उसे हम सिल्क के साथ मिला करके स्पाइनिंग करते हैं मीन्स धागा बनाते हैं जो याक से ऊन प्राप्त होता है स्टूडेंट्स उसे हम सिल्क के साथ मिला करके धागा बनाते हैं इट इज यूज टू मेक स्वेटर ब्लैंकेट्स कोट एंड हैट करें स्टूडेंट्स याक से जो ऊन प्राप्त होता है उसका प्रयोग हम स्वेटर बनाने में ब्लैंकेट बनाने में कोट बनाने में हैट बनाने में करें इसका जो ऊन होता है वह सिल्क ऊन से वार्मर होता है इन मींस याक ऊन इज मोर वार्मर देन सिल्क ऊन स्टूडेंट्स जो याक का ऊन होता है वह सिल्क के ऊन से वार्मर होता है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट अलामा एंड अल्पका अलामा एंड अल्पका इज द स्पीसीज ऑफ सिल्क इट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका करें जो अल्पका एंड अलामा ये सिल्क की एक प्रजाति है इट इज बिलोंग टू द कैमल फैमिली करें जो कैमल फैमिली से बिलोंग करती है इन सिप की जो नेक होती है नेक वो बहुत लंबी होती है सिप की नेक लंबी होने से इनको कैमल फैमिली में रखा गया है स्टूडेंट्स अलामा एंड अल्पका तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे ओके स्टूडेंट्स इट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका इट इज बिलोंग टू कैमल फैमिली देयर अंडर कोट हेयर इज वेरी फाइन करें इनके जो अंडर कोट हेयर होते हैं जैसा कि आपने अभी पढ़ा जो सिप में ऊन होता है वो दो तरह का होता है एक आउटर होता है जिसे हम कैप करते हैं और एक इनर हेयर होता है जिसे हम फाइन हेयर कहते हैं ये देखिए कैम फर्स्ट टाइप ऑफ आउटर कोट हेयर आर नोन एज कैम सेकेंड टाइप फाइन अंडर कोट क्लोज टू स्किन समझ गए स्टूडेंट्स जो आउटर हेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं कैम और जो इनर हेयर होता है उसे हम फाइन ऊन कहते हैं तो स्टूडेंट्स करें इनके जो अंडर कोट हेयर होता है या सेकंड टाइप का जो हेयर होता है वह बहुत फाइन होता है शार्प एंड लस्टर एंड फाइबर आर लाइट वेट करें कि ये क्या होता है बहुत मुलायम होता है चमकीला होता है और बहुत उसका वेट जो है बहुत हल्का होता है स्टूडेंट्स Now, pull from other animals में nested in camel. Students, the hair on the body of a camel are also used as wool. Students, आप ये जानते हैं कि camel are found in desert where the temperature are 0 to 40 to 50. Very hard hair growing
इन दिस रीजन द कैमल्स बॉडी डू नॉट यूक्रेट द वाटर बिकॉज देयर बॉडी आर कवर्ड विद थिक एयर. स्टूडेंट्स कैमल जो है वह बहुत ही गर्म जलवायु में रहता है और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है. यदि उसके शरीर से पसीना होता रहे तो वह फिर प्यास के कारण मर जाएगा. लेकिन उसके शरीर में इतने घने बाल होते हैं कि वह सनलाइट की जो गर्मी है उसको कुछ असर नहीं कर पाती स्टूडेंट, जिससे वह आसानी से उस डिजर्ट रीजन में अपने आप को रह लेता है और एक बार पानी पीता है तो एक सप्ताह उसका काम चल जाता है. स्टूडेंट्स द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स आर आल्सो यूज्ड एज वूल. स्टूडेंट्स जो कैमल्स के बॉडी पर हेयर होते हैं उसका प्रयोग हम वूल के रूप में करते हैं. बैक्टीरियन कैमल्स करें जो कैमल्स की वैरायटी है उसमें बैक्टीरियन कैमल्स होता है जो साइबेरिया मंगोलिया एंड चाइना में पाया जाता है. जो बैक्टीरियन कैमल है स्टूडेंट्स ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे. बैक्टीरियन कैमल्स बैक्टीरियन कैमल्स आर फाउंड इन साइबेरिया मंगोलिया एंड चाइना की बेस्ट क्वालिटी आपको स्टूडेंट करें. जो बैक्टीरियन कैमल है इससे में बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्राप्त होता है और यह कैमल साइबेरिया मंगोलिया और चाइना में पाया जाता है स्टूडेंट्स. इट इज यूज्ड टू मेक कॉर्ड रोप्स स्पॉट ओलंपियर्स करें जो स्पॉट्स ओलंपियर होते हैं वो कैमल्स पुल्स के बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स तो इस टॉपिक में जो भी पॉइंट हमने अंडरलाइन कर रखा है इन सारे पॉइंट को आप वर्क कर लीजिएगा अच्छे से और घर पर अच्छी तैयारी करिएगा स्टूडेंट्स. ओके वी मीट नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक. ओके.